करीबन 62 लोग हिंदू थे और ये बताना जरूरी है, ये बताना जरूरी है क्योंकि किसी एक ने तय कर लिया है इस लड़ाई को मुसलमानों की लड़ाई दिखाना। ये बताना चाहते हैं वो कि इस देश का हिंदू जो है वो सच साथ नहीं खड़ा है, ये सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई है। और मुझे लगता है कि बनारस में जिस तरह हमारे साथ जो ज्यादती हुई उसकी सिर्फ यही वजह थी कि तुम क्यों बोल रहे हो। और मैं आपको बताऊं कि बीएचयू में जो 18 साथी बीएचयू गिरफ्तार हुए थे वो 18 के 18 हिंदू साथी थे, और उनसे उनके घर वालों को उनकी लोकल थाने में उनके घर जाते, उनके जिला प्रशासन में जहां जहां के थे, मेरे जिला प्रशासन मेरे घर गया था, ऐसे सभी दोस्तों के घर जाके उनको ये बताया गया कि आपका लड़का वहां जाके पत्थरबाजों के साथ खड़ा है, आपका लड़का दंगाइयों के साथ खड़ा है, आप उसको समझाइए, उसको वापस बुलाइए, नहीं तो उसकी जिंदगी बर्बाद कर दीजिए। आप हालत समझिए इस देश की कि वो मुझे मेरा नाम लेके नहीं बुलाते हैं, वो जेल में मुझे मेरी जात याद दिलाते हैं बार बार कि तुम पांडे हो, तुम त्रिपाठी हो और तुम्हारा इससे कोई वाकया नहीं है, तुम यहाँ क्यों खड़े हो इनके साथ। और बनारस, क्योंकि मैं बताऊं बनारस आप सबको पता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो वहां पे जो जिला प्रशासन से लेके सबको यही कहता है कि भाजपा के खिलाफ बोलना बनारस में पिछले 4-5 साल में थोड़ा आसान तो हो गया है, लेकिन एक दौर था कि जहां पे आप बनारस में इनके खिलाफ बोलने पे ही कूट दिए जाते थे, और हम कूटे हैं, हम बार बार कूटे हैं और आगे भी कूटेंगे, लेकिन हम ये आपको वादा करके आने जाते हैं कि एमयू की लड़ाई जामियों की लड़ाई के साथ बीएचयू खड़ा है। और जो जो ये बांटने वाले लोग हैं ना, इनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है, ये इनके पास एक टीवी है, इनके पास इनके अखबार है जिससे ये दिखाते हैं कि इनकी जो आवाज है वो पूरे देश की आवाज है, लेकिन हमको सड़क पे आके ये साबित किया है इस देश ने, और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उस प्रोटेस्ट ने साबित किया है कि हिंदुस्तान का जो युवा है, हिंदुस्तान की जो आवाम है, वो हिंदुस्तान का मतलब समझती है, वो जानती है कि हिंदुस्तान का मतलब सिर्फ हिंदू होना नहीं है। हिंदुस्तान में जब तक हिंदुस्तान तभी तक बचा रहेगा जब तक हिंदुस्तान में उसके सभी भाषाओं सभी धर्मों सभी जातों का जब तक एक साथ है तभी वो हिंदुस्तान है, नहीं तो देश नहीं बचेगा। अब मैं आपको एक और बात, बहुत हम यहाँ से पहले मेरठ और मुजफ्फरनगर होके आए हैं, मेरठ में हम उन 5 परिवारों से मिले जिन 5 परिवारों की में शहादत हुई, और मुजफ्फरनगर में एक नूर मोहम्मद की शहादत हुई। मुस्लिम इलाकों में गोलियां चलाई हैं, एम करके चलाई हैं, गरीब लोगों पे गोलियां चलाई हैं, और गोलियां वही चलाई हैं जहां उनको पता था कि उनकी गोलियां मुसलमानों को ही लगेंगी। वो इलाकों में इतना डर है, लोग अपना घर छोड़ के भाग चुके हैं, लोग रात में पुलिस आती है दबिश कर रही है, और जो वहां के जो लोकल प्रशासन है वो भी उस मामले को मुस्लिम पेंट कर रहा है। तो हमारी आपकी हम सब की ये जिम्मेदारी है, हम यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले लोगों की ये जिम्मेदारी है कि हम इस चीज के खिलाफ खुल के लड़े, और सिर्फ जामिया या एएमयू नहीं, मैं आपको ये वादा करता हूं कि सिर्फ बीएचयू भी नहीं, इस देश के केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं बोलेंगे, इस देश के छोटे छोटे महाविद्यालय विद्यालयों से आवाज आना शुरू हो चुकी है कि हम इस लड़ाई में एएमयू को जामिया के साथ खड़े हैं। और एक कमाल की बात देखिए कि वो हम पे हिंसक होने का आरोप लगाते हैं, हालांकि हम बहुत ठीक से जानते हैं कि जो हिंसा होती है वो किस तरफ से होती है, और जो भीड़ में भी हिंसा होती है वो कौन लोग करते हैं। मुजफ्फरनगर में जो गोली चलती है वो बलियान वहां का जो सांसद है उसके लोग चलाते हैं, और वो माहौल बनाया जाता है कि मुसलमानों ने आपस में गोलियां चलाई हैं, और ये हिंसक होने का आरोप हम पे लगाते हैं। ये बाबरी मस्जिद गिराने वाले लोग, ये लोग जिनकी विचारधारा की मूल में सिर्फ हिंसा छुपी है, ये लोग हम छात्रों को बताते हैं कि हम हिंसक हैं। शर्म आनी चाहिए इस सरकार को, और शर्म आनी चाहिए इस व्यवस्था को जो इस वक्त साथ खड़ी है इस सरकार के, जो विरोध किया हर आवाज को एक रंग देने का प्रयास कर रहा है। और इस जिम्मेदारी को समझना होगा कि आज हिंदुस्तान की पहचान की लड़ाई सामने आई है, पूरी दुनिया देख रही है कि हिंदुस्तान जो लड़ाई लड़ रहा है, हिंदुस्तान का युवा जो लड़ाई लड़ रहा है वो किससे लड़ रहा है। वो लड़ाई सांप्रदायिकता से नहीं है, वो लड़ाई अपनी सरकार से है, और ये सरकार ने तय कर लिया है कि वो इस देश में किसको रहना चाहते हैं और किसको नहीं देखना चाहते हैं। वो बात करते हैं कि हम बांग्लादेश पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज की चिंता करते हैं, स्वागत है आपका, लेकिन हम बहुत ठीक से जानते हैं
कि आपको माइनॉरिटीज की अपने देश की चिंता तो है नहीं, ये बहाना करना बंद कीजिए कि आपको दूसरे देशों के प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज की चिंता है। आपको चिंता नहीं है, आपको फिक्र नहीं है, आपके अंदर दया नहीं है, और ये आपकी वैचारिकी में दिखता है, ये आपकी विचारधारा में दिखता है। आप बांटने वाले लोग हैं, आप नफरत फैलाने वाले लोग हैं, और आपका जवाब हम मुंहतोड़ जवाब देंगे आपको, और हम सिर्फ सड़क पे नहीं देंगे। और हम इस बात को हमें मानना होगा कि संसद तय नहीं करेगी कि इस देश में क्या कानून बनेंगे। संसद जरूर वोट करती है, संसद जरूर कानून पास करती है, लेकिन ये नहीं होगा कि एक बार हमने सरकार चुन ली तो वो सरकार अपनी मनमानी करेगी। नहीं करेगी वो सरकार मनमानी। एक बार हमने वोट दे दिया इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो जो कानून चाहेंगे पास करा लेंगे, और हम हर बार ऐसे कानून का विरोध सड़क पे आके करेंगे। और मैं आपको एक चेतावनी भी देकर जाना चाहता हूं कि साथियों तैयार रहिए, ये कोई पहला या आखिरी हमला तो है नहीं, और ये आखिरी हमला तो बिल्कुल नहीं है। ये सरकार आने वाले, इनके सभी एजेंडे फ्लॉप हैं, ये इकोनॉमी पे फ्लॉप है, ये देश में नौकरियां नहीं पैदा कर पा रहे हैं, देश में गरीबी नहीं खत्म कर पा रहे हैं, इन्होंने पिछले 6 साल में एक भी यूनिवर्सिटी तक नहीं बनाई है, और ये लोग बात करेंगे विकास की। ये सरकार ने तय कर लिया है कि हम इस देश को लगातार ऐसे कानून और ऐसे बिल लाके बांटने का प्रयास करते रहेंगे, डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास करते रहेंगे। आप आज एनआरसी के लिए लड़ रहे हैं, आज आप एनपीआर के खिलाफ लड़ रहे हैं, आप आज सीए के खिलाफ लड़ रहे हैं, और ये अगला यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी कर रहे हैं। तो हमें ये तय करना होगा कि हमारी लड़ाई भी अगर हम लड़ के सीए वापस भी करा लेते हैं तो हमारी लड़ाई खत्म नहीं होने वाली है। साथियों इन्होंने, इनके पास लाइन है बिल, इनके पास यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इनके पास हिंदू राष्ट्र का मसला है, इनके पास हजार मसले हैं। हमें ये मान के चलना होगा कि हम इनके साथ कंधे से कंधा मिला के हम साथ में खड़े रहेंगे, और इनके हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देंगे, और पिछली बार से बड़ा जवाब देंगे। और साथियों पिछले दिनों में जामिया गया था, जामिया में हालत ये थी कि छात्रों में इतना डर था, जिन पे हमला हुआ है वो छात्र बेचारे घर थे, जो मिले उनको चोटें लगी हैं, हाथ में चोटें हैं, शरीर पे चोटें हैं, महिलाओं को नहीं छोड़ा है, जो साथ में छात्राएं उनको नहीं छोड़ा है। और ये बात करते हैं बेटी बचाने की, हम जानते हैं आपके नारे झूठे हैं, हम जानते हैं आपके वादे झूठे हैं, और हम जानते हैं कि आपकी सोच क्या है, और हम उसको सड़क पे लाके सामने रखेंगे, और आप कैसी हर एक कानून का, आप कैसे हर एक झूठे वादे का विरोध करेंगे, और आपको आईना दिखाते रहेंगे। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। किसी भी भाई या